Hey, how's it going, everyone? My name is Madhip और आज हम लोग खेलने वाले एक हॉरर गेम जिस गेम का नाम है छू छू चार्ल्स। और ये गेम खेलने के लिए गाइस मुझे मेरे असिस्टेंट मिस्टर फराना जी ने चैलेंज किया है और उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था इससे पहले कि अगर दम है तो खेल के दिखा। और तुम लोगों को पता है जब भी मेरा असिस्टेंट मिस्टर फराना जी इस टाइप का चैलेंज मुझे देता है तो वो तभी देता है जब उसको ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है मेरे साथ। तो मैंने इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया और मुझे पता चलता है कि ये जो गेम है हमारी ये हमारी एक ट्रेन हॉरर गेम है। बेसिकली इस गेम के अंदर हम लोगों को ट्रेन चलानी है एंड एक बहुत ईविल ट्रेन हमारे इलाके में घूम रही है जिसका नाम है चार्ल्स। और अगर हम लोग उसकी रेंज में आ गए तो भाई साहब हमारे पीछे पड़कर हमको मारने की ट्राई करेगी पूरी तरीके से। और मैंने उसकी एक दो क्लिप्स देखी भाई तो मेरे को ना मेरा मतलब जी घबरा गया भाई उस ट्रेन को देखकर। सिर्फ उसको देखकर भाई मकड़ी ऐसी ट्रेन है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखती है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस गेम को खेलने के लिए एंड मिस्टर फलाना जी ने मुझे चैलेंज दिया है तो ऑफकोर्स एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा मैन। तो गाइस सीधा ही शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस तो गेम स्टार्ट हो चुकी है। मेरे को ना एक्चुअली में वो वाले मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो मैंने इस गेम के क्लिप्स में देखे हुए हैं। बहुत ज्यादा डरावने हैं वो। ओ माय गुडनेस गाइस ये है वो वाली ट्रेन। देखो ये चार्ल्स है मकड़ी वाली ट्रेन ब्रो। भाई इसकी शक्ल देखो कितनी अजीब है। ओ माय गुडनेस गाइस मेरे को ना इस गेम को इसकी शक्ल देखकर वो बचपन की गेम याद आ गई थॉमस एंड फ्रेंड्स करके गेम हुआ करती थी। गेम बोल रहा हूं यार एक कार्टून हुआ करता रहा जो कि मैं बचपन में देखता रहा। भाई साहब आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन बट उसकी शक्ल थोड़ी प्यारी थी सामने और इस वाले बंदे की बहुत ज्यादा खतरनाक थी इस ट्रेन की यार। ओ माय गॉड सी हाफ ट्रेन हाफ गीगा स्पाइडर। ओ माय गॉडनेस डूड्स तो बेसिकली मैं समझ चुका हूँ ये जो बुजुर्ग अंकल है ना। ओके ठीक है तो मैं समझ गया भाई ये जो बुजुर्ग अंकल है गाइस हमारे ये एक्चुअली में इस आइलैंड पे पहले से लेके रहता है और इस बुजुर्ग अंकल ने इस आइलैंड के ऊपर उस ईविल ट्रेन को देखा होगा और इसने फिर मुझे कॉल किया बिकॉज मैं इस गेम का आई गेस कोई बहुत ही अमीर बंदा हूँ। एंड देन उसके बाद गाइस इसने मुझे यहाँ पर बुलाया एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज दिखाने के लिए। ऑफ कोर्स अमीर बंदे इस चीज पे विश्वास करेंगे लेकिन इस टाइप की ट्रेन एग्जिस्ट करती होगी। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आया हूँ भाई साहब। अगर मैं यहाँ पर मरा ना ब्रो तो मैं बता रहा हूँ तेरे को मैं उस छू छू चार्ल्स से पहले मैं खा जाऊंगा तेरे को भाई। नॉट इवन जोकिंग मैन। और इस साइड में क्या आ रहा है इंटरेक्ट विद आइटम्स। ऑलराइट तो ओ भाई तू क्या मुझे ये मुझे बता रहा है कि देयर इज अ ट्रेन शेड एट द टॉप ऑफ द हिल। ट्रेन ऑपरेटर वहाँ पे पहले मरा था तो तुम मुझे क्यों भेज रहा है वहाँ पे भाई तेरे को मतलब कमाल कर रहा है यार तू मतलब जब तुझे ऑलरेडी पता कोई मरा था वहाँ पे। It could be an indispensable tool on our journey if we can get to it. अच्छा बेसिकली ये बोल रहा है कि वहां पर एक उस शेड के अंदर एक पुराना इंजन पड़ा हुआ है जिसको लाइक एक बहुत बड़ी ट्रेन थी जिसको कोई बंदा ऑपरेट करता रहा वो मर गया है जिसको चार्ल्स ने खा लिया आई गेस मे बी। ओके We don't want to... ठीक है सर जी लो हाथ जोड़े मैंने आपके सामने भाई जी मैं आप ही के पास से पक्के रहूंगा मैं तेरे पीछे पीछे ठीक है क्योंकि तू बुजुर्ग अंकल है एंड मेरे को तेरे पे यहाँ पे भाग गया। और रुको जा भाई अंकल ओए इतना तेज क्यों भाग मुझे बोल रहा है कि स्टे क्लोज वी डोंट वांट टू गेट एक्सपोज्ड है ना। और खुद देखो भाग भाग के जा रहा है पूरे पूरे अपने फुटस्टेप्स दे रहा है यहाँ पे पागल की तरह। तो क्राउच करके चल भाई माइनक्राफ्ट खेल ही नहीं का तूने कभी। ऑलराइट लेट्स गो आराम आराम से इसके पीछे पीछे गाइस मैं ना इस बुजुर्ग अंकल से बिल्कुल भी यहाँ पे ना अलग होना नहीं चाहता हूँ ब्रो। यहाँ पे देख रहे हो पर किस टाइप का वेदर हो रहा है भाई हम लोग किसी एक आईलैंड पे आए हुए हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोग इस टाइप का फालतू का वेदर दे दोगे यहाँ पे यार सीरियसली मैन। ओके लेट्स सी कि बुजुर्ग अंकल यहाँ पर मुझसे क्या बोलता है। शक्स इट्स लॉक्ड। ओके ये लॉक्ड है। ओ अब तू ये ना बोलियो कि मेरे को यहाँ पर इसके लिए वो लानी पड़ेगी चाबी लानी पड़ेगी। देयर्स अ स्मॉल शैक अप द पाथ दैट माइट हैव अ की इनसाइड। ऑलराइट टेक दिस मैप आई जस्ट मार्क द लोकेशन ऑन इट। ओके द की इज अप देयर एंड ऑल। ये बदसूरत अंकल मेरे को बोलना चाहता है। Oh my goodness, bro, wait. Okay, भाई जो animation अभी मेरे को दिखी है ना मुंह के सामने, ये one of a kind है, to be honest man, मेरे first time पे, भाई साहब देखो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, and यहाँ पर हमारी वो ट्रेन है, basically हम लोगों को ये वाली ट्रेन चलानी है, जो ऑपरेटर मरा था ना उसकी ट्रेन, and हम लोगों को यहाँ पर जाकर वो की लेकर आनी है। अच्छा ठीक है भाई तू मुझे एक बात बता, इतना नीचे से तूने मुझे भगा के लाया अपने पीछे पीछे और मुझे यहाँ से आगे के लिए अकेला भेज रहा है। है थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही भाई तेरे हॉरर वाले आइलैंड पे हम लोग खड़े हैं ब्रो तू मुझे अकेला भेज रहा है। इनफैक्ट इतना पुरानी बिल्डिंग है तोड़ इसको भाई क्या ही फर्क पड़ता है लकड़ी का तो बना हुआ है। क्या छोड़ तू वहीं पर भाई भागी मत ठीक है ना। मैं एकदम चुपचाप से जाने वाला हूँ एंड लेट मी चेक मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा। हाँ ये मेरे को यहाँ पे एरो से लग गया ना पता भाई एकदम सही जा रहा हूँ
मैं इनफैक्ट भाग के जाने वाला ब्रो, मेरे को ना बिल्कुल इस बुजुर्ग अंकल से ज्यादा टाइम तक दूर रहना नहीं है टू बी ऑनेस्ट मैन। यहाँ से चलते हैं अंदर। ओ सामने की दिखी मेरे को यहाँ पे की दिखी सामने। शाबाश मेरे बेटे, व्यू द आइटम्स यू हैव कलेक्ट बाय प्रेसिंग वाई। ओके ट्रेन स्टेशन की, भाई समझ गया मैं भाई। एक जो यहाँ पे की थी इससे पहले, मैं इसको यहाँ पे उठा नहीं पा रहा भाई, बाहर इतना ज्यादा अंधेरा है कि अगर मैं यहाँ पर इसको, ओ माय गॉड यहाँ पर एक उल्लू की आवाज है, मैं डर गया, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। हालांकि गाइस वो जो ट्रेन है, वो जो हॉरर वाली ट्रेन है बेसिकली, वो हम लोगों को ऐसे रास्ते में नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। ऐसे पेड़ के पीछे छुपे होगी तुम लोग सोच रहे होंगे, है ना, जंगलों के बीच में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हम लोगों को मिलेगी तो सिर्फ एक ही जगह पे, जो है ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर। ले यार सब कुछ मेरे को ही करना है, सब कुछ मेरे को ही करना है। तू यहाँ पर किस काम का है भाई, फिर मेरे को बता जरा एक बात। वेट, इसका नाम चार्ल्स है। ये इस कंपनी का नाम है, देखो माइनिंग चार्ल्स कंपनी। ओके ठीक है मैं समझ गया, बट आई गेस वो जो दूसरी ट्रेन है उसका नाम चार्ल्स है ब्रो, छू छू चार्ल्स करके। चले यहाँ से अंदर। ओके यहाँ पर है योर एपिक ट्रेन, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, मैं इसको फटाफट पढ़ लेता हूँ यार। ओ तेरी भाई, अंदर से ट्रेन तो काफी जरा प्यारी है भाई देखने के लिए। आई गेस इससे हम लोग आगे जा सकते हैं, एंड ये लाल वाले से ब्रेक लगेगी, एंड आई डोंट नो, आई गेस यहाँ पर, ओ ये रिवर्स वाला है, देखो यहाँ पर एरो बना हुआ है। ऑल राइट यहाँ पर एक मैप भी दिया हुआ है, ट्रेन हेल्थ, स्पीड लेवल, डैमेज लेवल। ओके ठीक है समझ गया भाई समझ गया। और यहाँ ओ यस, जो गाइस मैंने वाला हॉरर मोमेंट देखा था ना इस गेम का, उसमें ना इससे बंदा शूट कर रहा था भाई साहब, इस गन से। मेरे को तो समझ नहीं आया कि अगर ये एक नॉर्मल से पहले आइलैंड था, तो इस आइलैंड के ऊपर, इस ट्रेन के ऊपर ये गन करके आ रही है भाई, मुझे बताओ सर। इनको पहले से बता रहा है यहाँ पर भूत है भाई, अंकल मुझे बताओ भाई अब आगे क्या करना चाहिए हमको यार, प्लीज भाई। हाँ ठीक है भाई। She's an oldie but a goodie. I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside? मैंने देख लिया भाई जी, मैंने अंदर का सारा देख लिया, तू बाहर का यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दे। पता चले कि भाई ये ट्रेन इतनी ज्यादा पुरानी है कि इसके टायर ही अलग हो गए इसके अंदर बैठते ही। मैं काम करता हूँ थोड़ा आसपास का देखता हूँ। ब्रो 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 बैकग्राउंड म्यूजिक बनना स्टार्ट हो चुका है। ओके अब यहाँ पर आई गेस वो हॉरर वाला मोमेंट आने वाला है कभी भी। यार कुछ तो होगा भाई इस घर के अंदर बढ़िया सा। हेलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चले या तो डायरेक्ट भाई जी, आई गेस गाइस हम लोगों को डायरेक्ट निकलना चाहिए अब यहाँ से। चल 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 ऐसा करते हैं, ट्रेन के अंदर बैठते हैं, अपना पहला मिशन करते हैं। मैं ना कुछ देखना चाहता हूँ एक बार जरा। ये देखो यहाँ पे पूरे का पूरा आइलैंड के ऊपर यहाँ पे रेल के ट्रैक्स बिछे हुए हैं। यहाँ से हम लोगों को आगे जाना, से यहाँ पर जंक्शन आ रहा है, इधर के लिए भी जा सकते हैं, इधर के लिए भी जा सकती है। क्या अनमेट एनपीसी, ऑप्शनल मिशन। ये सारे के सारे हम लोगों को यहाँ पे मिशन वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है भाई कोई बात नहीं, पहले हम लोग ये वाला ऑप्शनल मिशन ही पार करने वाले फिर सबसे पहले, ठीक है ना। आज अंकल है मैं चला रहा हूँ फिर गाड़ी को आगे। अरे भाई तेरे को आना नहीं है क्या भाई, तो क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे, तेरे को आना ही नहीं है, ये क्या आदमी है भाई कसम से। ओ माय गुडनेस डूड्स, यहाँ पे देखो नीचे खून गिरा हुआ है। ओ तेरी की भाई साहब, तूने मुझे ये खून तो दिखाया नहीं इससे पहले, इतनी बकवास झाड़ दी मेरे सामने, पर ये चीज नहीं दिखाई इसने। मेन आई गेस उसी ऑपरेटर का खून था ब्रो, उसका जो खून हुआ है वो यहीं पर हुआ है भाई साहब, इसी ट्रेन शेड के अंदर। यहाँ पर भी तो खून लगा है साइड में भाई। अब मेरे को ना वो घूस बम सारे मेरी बॉडी के अंदर, वो जो चिल्स बोलते हैं ना जिसके बॉडी के अंदर कांप जाते हैं बीच में, वो हो रहा है मेरे साथ। तू भाई जल्दी आ जा ट्रेन के अंदर बैठ जा भाई, डर लग रहा है यार। एक सेकंड को जरा इस ओ माय गॉड, मैं इस गन को भी चला सकता हूँ यहाँ पे अभी। सी ये यहाँ पर ना प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। भाई साहब वो छू छू चाल जब यहाँ पर आएगा उसको मैं ऐसा पेलने वाला ना भाई इसके बाद ना, टू बी ऑनेस्ट मैन मजा आ जाएगा। ऑल राइट ब्रो, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम गन है ब्रो, तूने पहले नहीं बताया मेरे को यार, क्या बंदा है तू भाई। ओके ठीक है, इस एक्सटीरियर चेक कर दिया है but it sure looks fun to use भाई, मजा तो आया मेरे को इसको यूज करके। Charles with it and take him down before he even sees us coming, take this thing for a spin। चलो मेरे बेटे मैं तो एकदम तैयार हूँ। अब इसने मेरे को बोल दिया गाइस कि इस गन का इस्तेमाल करके हम लोग चार्ल्स की तो बैंड बजा देंगे भाई। और इसने मुझे थोड़ा सा शॉक भी कर दिया ये बोल के कि जब ये बंदा इस आइलैंड से निकला था तो ये गन यहाँ पे थी नहीं, तो लगाई किसने मेरे बेटे, तू मेरे को बता जरा, थोड़ी अजीब सी बात तो है। ऑल राइट मेरे बेटे स्टार्ट करते हैं फिर ट्रेन को। वेट आगे दीवार है ब्रो, भाई तू तो खतरनाक बनता है मेरे बेटे। नो नो अभी गए बंदा, इतना जल्दी ब्रो, बुढ़े पीछे ना तू मर जाएगा, बुढ़े पीछे हो जा मर जाएगा तू भाई। इज नॉट टेकिंग एनी डैमेज, ओ माय गुडनेस डूड, मेरी ट्रेन, मेरी जो एक गन है गाइस ये ओवर जैम हो गई थी यहाँ पे, बुढ़ा मर गया। चली गई वो, चला गया। वेट 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 व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल,
was that? बुढ़ा मर गया हमारा. I guess मेरे को reuse करना, मेरे को restart करना पड़ेगा मशीन. अरे अंकल सॉरी भाई, तू काई को पीछे खड़ा था मेरे. This isn't how things was. ये मर गया एक्चुअली में. What? Yes, sir. Ian. अरे भाई ये मर गया सच्ची में बंदा. अरे मुंह तो खोल दे भाई, बिना मुंह खोले कैसे बात करता है ये बंदा. Find the eggs. Find my son. Oh my God, bro, बुड्ढा मर गया. मैं इसको देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आवाज सुनूंगा इसकी. I am so sorry. अरे भाई मेरे तो तू इस बंदे को मेरे इस गन के सामने खड़े रहने की क्या जरूरत थी. है मुझे बताओ जरा भाई, मैं यहाँ पे गन चला रहा हूँ, ये मेरे बगल में खड़ा हो गया यहाँ पर. क्या बदसूरत है भाई ये बुड्ढा. किसने बोला था भाई इस बंदे को. है ओ माय गॉड ब्रो, कितना ही ज्यादा खतरनाक मोमेंट था ये वाला. यार वो छूछू चाल एकदम से आ गया, एकदम से आ गया भाई बंदा, एकदम से लाइक पता ही नहीं चला उसके, एकदम से टपक गया मेरे मुंह के सामने. एंड बाय द वे इस गन की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो गन है ना कई बार ये ओवर यूज करने की वजह से क्या होता है जाम हो जाती है. ये आगे का इसका हिस्सा लाल हो गया था इससे पहले भी, तो थोड़ा सा रुक रुक के चलानी पड़ती है. ओके मैं इधर से ध्यान रखूंगा ब्रो. बुड्ढा मर गया यार भाई, बहुत दुख हो रहा है यार. अब उसने कहा मुझे बोला है कि उसका बेटा ढूंढना है और एग्स ढूंढने हैं. आई डोंट नो मैन कि ये एग्स की बात उसने क्यों करी मेरे साथ. ओ माय गॉड ये हुआ क्या. अभी तो घर से निकले ही थे भाई, पहला जंप स्केयर ऑलरेडी आ भी गया. चलो एक काम करते गाइस, इस ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं. एंड बुड्ढा जी तो हमारे मर चुके हैं. क्या क्या कर सकता हूँ भाई मैं, मुझे बताओ यार मैं क्या कर सकता. उसको कहीं दफना दू, जला दू, उसने ऐसा कुछ बोला भी, उसके बेटे को ढूंढता हूँ. एंड आई गेस वही हमारा अगला मिशन होने वाला है. भाई साहब ये सांस ले रहा है बंदा, मेरा कैरेक्टर सांस ले रहा है इतनी गंदे तरीके से. ओह माय गॉड कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये पूरा का पूरा आइलैंड ब्रो. मैं ज्यादा ट्रेन में बैठा नहीं हूँ, आई गेस मैं एक बार उस शताब्दी में बैठा हूँ. लाइक वो जो ओ रुको यहाँ पे कुछ तो था, यहाँ पे कुछ तो था. थोड़ा सा बैक चले एक बारी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा ट्रेन को इतना आगे पार्क करना चाहता नहीं हूँ. ठीक है ना ब्रो. यहाँ पर मेरे को कुछ तो दिखा था, ओ वो दिखा था मेरे को वहाँ पे. थोड़ा सा आगे चल पड़ भाई और यहाँ पर ब्रेक मार दे. ट्रेन को ना एकदम मुंह के सामने मेरे को पार्क करना है. ठीक है ना, इसको ज्यादा आगे पीछे करना नहीं है. वो छूतू चार्ल्स कभी भी आ सकता. हाँ तो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि आज तक गाइस मैं उस बुलेट ट्रेन में बैठा हूँ, एसी टियर में वो भी है ना, तो वो अच्छा होता है देखने के लिए. ये क्या है भाई, आई डोंट नो कि ये क्या था, बट आई गेस वी हैव टू कलेक्ट देम. तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रेन का वो इतना खतरनाक नहीं है भाई जिंदगी में. ये तो कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का था यार. ओ माय गॉड, मेरा वो जो बचपन का अच्छा वाला कार्टून था अब उसकी बहुत ही गंदी यादें रह चुकी है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ. ब्रो इसके बाद अगर वो छूतू चार्ल्स मेरे सामने आएगा मैं तो भाई डर के मारे ना पागल हो जाने वाला. आई एम नॉट इवन जोकिंग. काम करते हैं यहाँ जैसे, वैसे मैं इसको ना मैप पे भी देख सकता हूँ यार कितना ज्यादा प्यारा बनाया हुआ इस गेम को यार, टू बी ऑनेस्ट मैन. कोई बात नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक अहेड बिकॉज मुंह के सामने कभी भी आ सकता है. रेल स्विचिंग, अच्छा हम लोग यहाँ पे देखो ना इसके पास आ चुके हैं, या तो इधर को जाना है या तो इधर को जाना है. उससे रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे लिखा, मैं पढ़ता हूँ उसको. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, मैं समझ चुका कि एग्जैक्टली हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है. ठीक है, अब जंक्शन के पास हम लोग आ चुके हैं, इसको एक बार ब्रेक मारनी पड़ेगी. ब्रेक ब्रेक लग जा लग जा लग जा लग जा ब्रेक लग जा भाई ब्रेक लग जा. एंड थोड़ा सा इसको मुझे पीछे खिसकाना पड़ेगा, पीछे चल भाई थोड़ा सा एक बारी. ओके यहाँ पर जंक्शन है, यहाँ पर ब्रेक मारनी पड़ेगी मेरे को. एंड अब यहाँ से बाहर निकल कर मुझे किस डायरेक्शन में जाना है वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा. तो आई गेस सबसे पहले मैं ये ऑप्शनल मिशन कर ही देता हूँ. एंड ऑलरेडी ये इस साइड के लिए घुमा हुआ है भाई, मुझे ट्रेन रोकने की बाय द वे जरूरत थी नहीं. ओके चलो मेरे बेटे चलते हैं, लेफ्ट साइड वाला पहला मिशन हम लोग कंप्लीट करते हैं. भाई साहब प्लीज डोंट टेल मी कि इस ऑप्शनल मिशन में भी छूजू चाल जाएगा. अब तो मेरे को डर लग रहा है भाई इस बंदे के बारे में सोच कर ही यार. इतनी प्यारी गेम ये बन सकती थी, बड़े लोगों को इस गेम को डरावना बनाना था. है फालतू में डरावना बनाना था. ओके पहला वहां पर मुंह के सामने घर दिख रहा है मेरे को. ब्रेक लगाने का टाइम आ चुका है बिकॉज बहुत ही ज्यादा स्लो ब्रेक्स लगती है इस ट्रेन की. ठीक है भाई आराम से रुक जाइए आगे. एंड लेट्स गो देयर. यहाँ पर क्या हो, आई गेस हम लोग सही पहुंचे हैं ना. हाँ हम लोग एकदम सही जगह पर पहुंचे हुए हैं. एंड अरे 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 अंकल जी नमस्ते, काउबॉय भाई ये बंदा तो. ओह भाई पूरी मुंडिया को मारा अपनी है तू एनपी. एक सेकंड को, इस बंदे की शक्ल तुम लोगों को मिस्टर मीट वाले कैरेक्टर की तरह नहीं लग रही है, वो जब सिर्फ उसकी दाढ़ी उग चुकी है उसकी टोपी पहनी हुई है. भाई साहब यस मैं वही हूँ भाई जी. इतनी अजीब से आवाज क्यों है तेरी भाई. ओके अच्छा मेरे को अपग्रेड करनी पड़ेगी मेरी इस ट्रेन को. In my bond that you could use to improve it. Okay, twice, thank you, man.
थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को फ्री में अपने घर का, अबे की पकौड़े मेरे को की दी इसने, बेबी मेरे को इसको मैं ऐसा पेलूंगा ना, बाय गॉड। तो आई गेस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने मुझे अपने घर की नहीं अपने बैक यार्ड में उसकी चाबी दी है इसने मेरे को। ओके ठीक है भाई जी, ये तो खाली है। अरे बदसूरत अंकल, यहाँ पे तो चाबी की जरूरत ही नहीं, दरवाजा ही नहीं यहाँ पे तो। अबे तूने मेरे को चाबी दी थी भाई, अभी अभी तो खोलने देना इसको भाई जी, इसको मैं सब मारूंगा ना अभी यहाँ पे ना कसम से, उछल उछल के ना। ओ हम लोग यहाँ पर, इसका बार नहीं यहाँ पर है। अबे इतना ज्यादा पैदल चलाएगा तू मेरे को क्या है भाई? और तुम लोग मुझे बात बताओ क्या ये चीज क्या ये चीज सेंस बना रही तुम लोगों के लिए? एक होता है कि बाहर अच्छी खासी धूप लगी हुई है और बंदा यहाँ पे धूप सेक रहा है, मजे ले रहा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, बाहर इतना गंदा मौसम, ऊपर से बारिश हो रही है, और यहाँ पर बाहर बैठकर अपने जूते गीले कर रहा है भाई। वाह, तालियां गाइस इस बंदे के लिए, तालियां। और इस बंदे के लिए इस वीडियो पे एक लाइक बनता है। चलो एक काम करते गाइस, इसके बारन पर चलते पैदल, वो भी यार ये बंदा तो मानने वाला है नहीं है, मुझे पैदल भगा के रहेगा इतने गंदे इलाके पे ये बंदा कसम से। और ओ ये रहा इसका बांध, और इसकी चाबी दी थी इसने मेरे को। चलते भाई अंदर, इसने मुझे मेटल स्क्रैप की बात करी है। ओ माय गॉड, इस दरवाजे के खुलने के एनिमेशन से भी डर ही लग गया मेरे को, टू बी ऑनेस्ट मैन। ओ ये चाहिए थे मेरे को, ओके तीन मिल चुके हैं, टोटल 9 है यहाँ पे, 4 इन मेटल स्क्रैप से। आई गेस हम लोगों को अपनी ट्रेन को ना यहाँ पे अपग्रेड वगैरह करना है कुछ, तो उसने यही बोला था, आई डोंट नो मैन, ज्यादा तो भाई मेरे को पता नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं इधर ऊपर, ये रहा और एक आखिरी बचा हुआ है। ओ यहाँ पर एक पेपर है। हाँ भाई ठीक है, मैं इतना लंबा चौड़ा पढ़ने नहीं वाला हूँ। गैस तुम लोग को पढ़ना होगा तो यहाँ पे तुम लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। ओके गाइस, तो मैंने यार इस पेपर को पढ़ ही दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस आइलैंड पे जितने भी लोग है ना, वो एक्चुअली में चाहते हैं कि वो जो चार्ल्स है वो मर जाए, क्योंकि भाई इन सभी के सभी लोगों के ना इस आइलैंड के ऊपर बुरे हाल कर दिए उस छूजू चार्ल्स ने। और बेसिकली हम लोग इस गेम के अंदर एक आर्चिविस्ट है। आई डोंट नो आर्चिविस्ट का मतलब होता क्या है, तो भाई जब पता नहीं तो गूगल करता हूँ यार उसको, है ना। अरे गाइस आर्चिविस्ट का मतलब तो होता है जो बंदा लोगों के रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है, बेसिकली ऐसे किसी बुक के अंदर, किसी सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर, आई मीन लाइक लोगों के रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है भाई। तो क्या मेरा ये काम है सिर्फ और सिर्फ, और कोई काम नहीं है मेरा? कमाल है भाई। तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ भाई उस हॉरर भूत वाली ट्रेन की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए? तो कोई सेंस नहीं बनाती है एक बुक वाला बंदा यार, आई डोंट नो मैन। खैर सब छोड़ो, मिशन कम्प्लीट करते आगे का। ओके गाइस, तो स्क्रैप आ चुका है ना, तो एक काम करता हूँ मैं। ओ हमारी ट्रेन की हेल्थ भी तो जा रही है भाई, स्क्रैप्स इकट्ठे करने पड़ेंगे एक्चुअली मेरे को। और यहाँ पर हम लोग अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, बट एक काम करते हैं गाइस, देखो डैमेज लेवल भी है, एक स्क्रैप रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है। मेरे पास एक आइडिया गाइस, ट्रेन की हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट जा रही है, तो हम लोगों को स्क्रैप्स वगैरह सेव करके रखने पड़ेंगे यहाँ पे, मैं समझ चुका हूँ। तो एक काम करें, यहाँ से वैसे मैं आगे जा सकता हूँ, बट ये पूरा पूरा खाली ट्रैक है। आई थिंक मेरे को यहाँ से वापस जाना चाहिए बैक मार्क, और यहाँ से पूरा घूम कर सारे के सारे मिशंस कंप्लीट करके आगे जाना चाहिए। चल मेरे बेटे, तो रिवर्स गियर मार दे, और प्लीज, और मैंने ये अपने हाथ पे पकड़ के रखने वाला हूँ, अगर अभी वो मुझे दिखा भाई, तू मुझे दिखियो मत गलती से भी प्लीज, छूजू चार्ल्स ब्रो, है ना, मैं पेल दूंगा तेरे को अभी। बल्कि अभी तो मैं रिवर्स गियर में जा रहा हूँ, डायरेक्ट उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं। अबे रुक 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 रुक, ब्रेक मारनी पड़ेगी, ब्रेक मारनी पड़ेगी, ब्रेक मारनी पड़ेगी। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं ब्रो, और इसको बस मेरे को इधर के लिए खिसकाने का है। चलो भाई अब राइट साइड के लिए चलते हैं। ओ माय गॉड भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी है भाई ये गेम खेलने के लिए, ऑनेस्टली मैन। अब एक काम करते हैं, ये वाला मिशन भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ओके बैक की साइड पे रह भाई, बिकॉज छूचू चार्ल्स कभी भी टपक सकता है रे बाबा। भाई एक्चुअली ये को सामने के लिए गाइस, पूरा का पूरा समुंदर है भाई साहब, हम लोग एक्चुअली में समुंदर के ऊपर है अभी। एंड आई गेस हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पर ब्रेक मार, एंड यहाँ पर है हमारा सेकंड मिशन। हेलो आंटी जी नमस्ते। वेट, अबे तेरे हाथ में शॉटगन क्यों है भाई? हेलो, पहले ही डरा रही है भाई आंटी, तू मेरे को यार कमाल कर रही है, ये ऐसे शत्रुघ्न की तरह क्यों खड़ी है भाई, अजीब से स्टाइल में है, इससे बात करते रहा, लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ जी मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ। Some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Okay. Here's the key. And okay. Although the balcony is right behind me. Hanji, Hanji, Madam Ji. As a side note, talk to anyone around here, and they'll do whatever they can help you. Not wearing a mask. But check out the balcony. मेरे ना. मैं तुम लोग एक बात बताऊं, इस आइलैंड पे जितने भी लोग सब हमारी मदद कर रहे हैं, द ओनली रीजन इज गाइस कि सभी के सभी लोग, क्योंकि देखो जो यूजीन वो बुड्ढा था ना जिससे पहले मर चुका है, उस बंदे ने पूरे आइलैंड के लोगों को एक बात बताई कि एक आर्चिविस्ट आ रहा है, जो कि मैं हूं इस गेम के अंदर,
एंड वो बंदा है जो हम लोगों को छुतु चार्ल्स के आतंक से बचा सकता है। तो दैट इज द मेन रीजन कि सभी के सभी लोग हमारी मदद कर रहे हैं और हम लोगों को मेटल स्क्रैप वगैरह दे रहे हैं ताकि मैं अपनी ट्रेन को यहाँ पे यू नो अपग्रेड वगैरह कर पाऊँ अच्छे तरीके से। समझ रहे तुम लोग यहाँ पे? ऐसा नहीं कि ये लोग ऐसे फालतू में बहुत ज्यादा अच्छे बने हुए हैं, ये लोग यहाँ पे हमारी मदद कर रहे ताकि मैं इनकी मदद कर पाऊँ यहाँ पे उसको मारकर, बदसूरत को मारकर। ओके भाई मैं समझ चुका, और इसको भी मैं आई डोंट थिंक सो कि पढ़ने की जरूरत है। ओ माय गॉड, यहाँ पर बेसिकली इस आंटी ने लिखा हुआ है कि वो जो छूछू चाल से आज के टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बन चुका है, लाइक हद से भी ज्यादा अग्रेसिव बन चुका है वो। और ये लोग सारे के सारे यहाँ पे डरे हुए, अरे भाई मेरे को डैमेज ही पड़ गया भाई। हेलो, चलो ठीक है आंटी जी, थैंक यू सो मच यार मेरी मदद करने के लिए, एंड लेट्स गो अहेड। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपनी ट्रेन को मैं यहाँ पे रिपेयर कर लेता हूँ और इसकी स्पीड बढ़वा देता हूँ मैं, है ना। इंक्रीजेस मैक्सिमम फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्पीड, ये ज्यादा होनी चाहिए हमारे पीछे। जब भी गाइस चार्ल्स पड़ेगा तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है मैक्सिमम होनी चाहिए। एक और यहाँ पर मिशन है और एक हमारा रिक्वायर्ड मिशन, ये होगा हमारा असली वाला मिशन। चलो भाई आगे चलते हैं फटाफट। ओ माय गॉड भाई, मेरी बॉडी में ना 24 घंटे चिल्स आ रहे हैं, लाइक पूरी बॉडी कांप रही है भाई सच्ची में, नॉट इवन जोकिंग मैन। और भाई पीछे तो मैं देखता रहूंगा ही रहूंगा हर बार, क्योंकि चार्ल्स ना वो एक, और भाई इससे पहले चार्ल्स पता कहाँ से आया था? साइड से, बिना ट्रेन ट्रैक की ब्रो। हम लोग गाइस अपनी ट्रेन को लेकर कहीं साइड में लेके जा भी नहीं सकते हैं, बट वो बंदा पहाड़ों के बीच से आया था, जो मेरे को लग रहा था शायद से नहीं हो सकता है, बट वो बंदा नॉर्मल जमीन के ऊपर से चल के आया था इससे पहले भाई साहब। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा अजीब सी बात है। काम करते हैं यहाँ पर, इस मिशन को कम्प्लीट करते हैं एंड देन हमारा मेन मिशन आने वाला है। या आ, ओ भाई साहब इतनी ठंड में नंगा बैठा हुआ है यहाँ पे भाई, दारू तू कर क्या रहा है भाई जी? तो से बात करता हूँ मैं 2 मिनट। Yes, I am monster hunter, bro. अच्छा ठीक है, ये तो कटप्पा लग रहा है भाई पूरा का पूरा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, ओके ठीक है। अरे मैं खोलेगा मेरे बेटे। ओ ठीक है। अच्छा मतलब ये बंदा थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर घूस देने वाला है, लाइक अगर मैं इसका काम करूंगा तभी जाकर ये मेरे को यहाँ पे स्क्रैप्स वगैरह देने वाला है, बाकी सबने तो फ्री में दे रहा था भाई। तू यहाँ पर अलग शहनशाह बना हुआ, चलो कोई बात नहीं है, कटप्पा मामा की मेरे को यहाँ पे ना मदद करनी चाहिए। एंड आई थिंक मैं मैप में देखता हूँ ना एक बार, जरा यहाँ पर है, इधर किधर जाना है हम लोगों को, यहाँ पर कोई चेस्ट मिलेगी एंड वो चेस्ट इस बंदे से ना खुल नहीं रही थी। देखो यहाँ पर ना फालतू के मेरे को मेडल स्क्रैप्स वगैरह मिलते जा रहे हैं फ्री के। अरे बाबा फ्री का माल मिल रहा है, उठाओ भाई फ्री का माल तो जितना मिल सकता है उठाओ सारा का सारा। ओ ये रही हमारी चेस्ट, अरे ये चेस्ट नहीं खुल रही तुझसे, कमाल कर रहा है भाई, बिल्कुल टैलेंट नहीं है इस बंदे के अंदर। ओके भाई परफेक्ट टाइमिंग पे करना पड़ेगा हमको ये हर बार। ओके ठीक है, तभी उस बंदे से खुल नहीं रही थी क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा टफ है ब्रो। यहाँ पे आएगा नहीं मेरे गलत कहते बच्चों का कर दूंगा इस बारी, यहाँ पे आएगा शाबाश, और ये आएगा हमारा यहाँ पे शब तीन वाला, ओह माय गॉड, यहाँ पे और यहाँ पे। चल मेरे बेटे तुम्हारा भाई यहाँ पर खतरनाक बंदा है। चलो ठीक है, ये चेस्ट को खोलने के लिए ना बहुत सारे हम लोग को यू नो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। टू बी ऑनेस्ट मैन खोल दिया मैंने जस्ट से कहा, पकड़ भाई ये मेरे बेटे कटप्पा मामा आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। हाँ जी भाई जी, यस ओके ठीक है। तो स्क्रैप्स इसने मुझे कितने दिए भाई? अच्छा से मुझे पकड़ा भी दे स्क्रैप तूने, तेरे पास ना जेब है ना ही नीचे के स्क्रैप रखे हुए ना बक्से खोले तूने, स्क्रैप मुझे तूने दे भी दिए, वाह बेटे। और देखते गाइस क्या पता एक आधा फ्री का स्क्रैप यहाँ पे नीचे गिरा हुआ मुझे और मिल जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट उस बुढ़े को ना यहाँ बैठना चाहिए आग के सामने, है ना, अपने अपने इस फालतू की दुकान के अंदर नंगा बैठने से बढ़िया था वही था कि थोड़ी धूप सेक लेता। चलो गाइस एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ अपनी एंड दैट्स इट। इनफैक्ट ये यहाँ पर कम हो रहा है ब्रो, इसको थोड़ा सा मुझे आगे करना, लेवल 3 to 5 5 स्क्रैप, और नहीं भाई मेरे स्क्रैप खत्म हो जाएंगे ऐसे करके, ये पता नहीं। आर्मर लेवल, ओ मैं समझ गया, मेरे पास सारे स्क्रैप्स मैंने यहीं पे खत्म कर दिया, मैंने गलती कर दी यार, मेरे को ना एक्चुअली मेरी ट्रेन की हेल्थ के लिए स्क्रैप रखने चाहिए थे। कोई बात नहीं है, ये वाला मिशन पार हो चुका है, मेरे को ये वाला मिशन अभी पार करना पड़ेगा, इसका अनमेट एनपीसी रिक्वायर्ड मिशन है वाला, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ही आ गया वाला। एंड आई अरे हम लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए वहां पे, ब्रेक लगाओ इसको भाई, यहाँ पे ये हमारा रिक्वायर्ड मिशन है गेम का, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एंड ये आंटी भी वेट अ सेकंड गाइस,
यहाँ मेरे को नाश्ता नीचे भाई इस गेम को खेलते हुए कसम से। यार ये देखो कितने क्यूट से कोने में बैठी हुई था किसके और बारिश ना गिरे। भाई साहब कैसे कैसे टाइप के लोग हैं भाई इस गेम के अंदर कसम से। यस बेबी मंटी आई एम द मॉन्स्टर हंटर ब्रो, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को। ओके ये डरा रही मेरे को भाई। ओह माय गुडनेस इसने एग्जैक्टली वही बोला गाइस कि चार्ल्स से फाइट करने की कोशिश करी बट ही रिट्रीट्स इनटू द विल्डरनेस। वो मतलब अपने ना ट्रेन के ट्रैक्स के ऊपर नहीं चलती वाली ट्रेन, ट्रेन के ट्रैक से साइड में जंगल में निकल जाती है भाई अगर उसको भागना होता है तो। We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Okay. And guys, mortal battle का मतलब हो गया, mortal का मतलब होता है जो मरता है, जो कि मैं भी mortal हूँ, आप लोग भी mortal हो कभी ना कभी, you know, हम लोग दुनिया को छोड़ के जरूर जाएंगे, तो mortal का मतलब वो होता है। Dispersed around the island are three eggs. हाँ मुझे बुढ़े ने यही बोला था। The island's three primary minds. Ooh. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island okay. will provoke Charles into the fight of the death. Unfortunately, the mining company owner Warren okay. Charles the Third has placed armed guards inside each mine to protect the you. Eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. Why? To the entrance. Why? Huh? मुझे एक बात बताओ, ये मेरे को बोल रही है कि इन लोगों की थ्योरी ये है कि जो अंडे है ना यहाँ पर हम लोगों को तीन अंडे ढूंढने हैं और उसको टेंपल के अंदर जाकर हम लोगों को लगाना है, और जैसे उसको हम लोग यहाँ पे टेंपल के अंदर लगाएंगे तीन अंडे को तो फिर चार्ल्स जो है वो मॉर्टल बैटल कराएगा, लाइक एक ऐसा बैटल जिसमें तो मैं भी मर सकता हूँ वो भी मर सकता है, अदरवाइज को मारना इम्पॉसिबल है। बट ये बोल रहा है कि जो माइनिंग ओनर कंपनीज है चार्ल्स द थर्ड जो बंदा है उस यहाँ पे गार्ड्स रखे हुए भाई ताकि अंडे चोरी ना हो। वाय ब्रो उस मॉन्स्टर को खत्म करो ना भाई, कहानी खत्म हो जाएगी। पर उनको ये करना नहीं, यहाँ पे जाना है हम लोगों को हम लोगों को वहां जाना है एक्चुअली में। ये है गाइस हमारा वेपन मिशन, आई गेस हम लोगों को वेपन मिशन पहले कंप्लीट करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। बट लेट्स डू वन थिंग गाइस, पहले माइन के अंदर चलते हैं। द मॉब इज हाइडिंग एन इंपॉर्टेंट एग इन द सदर्न माइन। ब्रो दिस गेम इज सो इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा देखो भाई मेरी ट्रेन की हेल्थ पूरी है, स्पीड नहीं बढ़ा सकता, चार स्क्रैप की जरूरत पड़ने वाली है, कोई बात नहीं। इस मिशन के लिए गाइस मैं वापस जरूर आऊंगा वेपन मिशन के लिए। आई गेस ये लाल वाला तो आई गेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था यार, अभी पहले मेरे को ये कंप्लीट करना चाहिए था, बट कोई नहीं। अगर बिना इस वेपन के हमारा ये वाला मिशन पार नहीं हुआ तो मैं रिवर्स गियर मार दूंगा। अब तो हमारी ट्रेन ऐसे भी स्पीड में चलती है ब्रो, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी गलती से भी अगर ये आ गया यहाँ पे भाई साहब, ये चार्ल्स आ गया तो मेरे मेरे को इतना ज्यादा यूज नहीं करना इसको, रुक जा। मेरी गन 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 जाम होगी गाइस, आई एम डेड प्लीज। अबे रुक जा बदसूरत, रुक जा बदसूरत, रुक जा रुक जा रुक गाइस। मेरे को ना अपनी ट्रेन को यहाँ पे करना पड़ेगा, ट्रेन की हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। अब आ बैठे ट्रेन की हेल्थ मैंने बढ़ाई जो भाई साहब दिमाग लगाया ना मैंने अभी ना, चला गया। हो मेरी ट्रेन की हेल्थ दिखाओ वो 22 मैं ट्रेन की हेल्थ दिखाओ, ऑलमोस्ट 10% बची थी इससे पहले। वेट बैक चल एक बारी, मेरे को ब्रेक लगा के बैक चलना पड़ेगा एक बारी, मैं वहां से बहुत आगे निकल गया हूँ। ओ माय गॉड भाई वो चल के जाता है ऐसे करके मकड़ी की तरह भाई साहब, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए जिंदगी में यार, ये क्या देखने को मिल रहा है भाई जिंदगी में आज यार, ये क्या बात हुई भाई। मेरी गन यहाँ पे जाम होगी, थैंक गॉड कि मेरे को पता था कि यहाँ पे मेरे को ट्रेन की हेल्थ को भी तो बढ़ाना पड़ता है। आई वॉज अबाउट टू डाई ब्रो, ओह माय गॉड ये क्या गेम है यार, मैंने इस आखिरी मिशन को पार करने वाला भाई, देन इतना ही रखने वाला मैं, अगली वीडियो में डाल दूंगा 2-4 दिन में। गाइस तुमने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना साथ ही साथ, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम लोग और देखना चाहते हो मेरे को खेलते हुए कि नहीं देखना चाहते हो। इनफैक्ट मैं खेलने तो वाला हूँ यार, तुम्हें से कुछ लोग जरूर होंगे जो दिल से सीरीज को फॉलो करेंगे एंड आई रियली वांट दैट ब्रो। एंड यहाँ पर देखो माइनिंग एरिया पे हम लोग आ चुके हैं यार, भाई छोटे मोटे ना मैं वो ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे मेटल स्क्रैप वगैरह। मेरी जो एक ट्रेन है ना इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है ब्रो, खत्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट, अगर एक आधा मेटल का स्क्रैप। अरे भाई साहब हम तो वहीं पे आ गए हैं, एक काम करता गाइस ये साइड में यहाँ पर देखता प्लीज एक आधा, हाँ एक मेटल स्क्रैप ये रहा ब्रो, एंड इसके अलावा एक आधा अगर और मिल जाएगा तो भाई मजा आ जाएगा। ओके एक और मिल गया भाई, थैंक यू एंड आई गेस
ओहो भाई कितने ज्यादा बुरे हाल है यार। वो जो माइनर वगैरह लोग है ना, देखो सामने माइन है एंड जो बेचारे वहां पे माइन वगैरह करते होंगे ना, उन लोगों के सोने की जगह देखो यार, बेचारे कहाँ पे सोते रहे यार, नीचे ऐसे ऐसे सड़े हुए से बेड के ऊपर सोते रहे बेचारे यार। ये जो माइन वगैरह करते कितनी मेहनत करते भाई ये लोग यार, देखो इनको इन दी एंड किस टाइप का रिजल्ट मिलता है। खैर छोड़ो, हम लोग ये यहाँ पर बात करने आए नहीं है। बेचारे जो लोग माइन करते हैं उनकी दुख दर्द वाली जिंदगी के ऊपर टिप्पणी करने आए नहीं, मुझे दो तीन मिले थे। एक काम करता हूँ, 82% हेल्थ रखते हैं ट्रेन की एंड लेट्स गो। अगर चार्ल्स गाइस सपोज करो अगर वो इंटेलिजेंट हुआ, वो जो ट्रेन वाला मॉन्स्टर है, तो वो क्या करेगा, जब हम लोग गायब है ना अपनी ट्रेन के पास है, तभी मेरी ट्रेन को तोड़ देगा पूरा का पूरा। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा करेगा। और एक खुलना चाहिए, यस गाइस, यहाँ पे ना बहुत आराम से जाना पड़ेगा हम लोगों को, बिकॉज यहाँ पर ना वो एक बंदा है जो कि लाइक उस अंडे को ना बचा रहा है एक हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को चेस्ट वगैरह ढूंढ कर एक अंडा ढूंढना है, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पर एक बंदा वो मिलने वाला है हमको जो आर्म्ड गार्ड है बेसिकली। इनफैक्ट मैं भाग के चलता हूँ ना भाई, थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा हम लोगों को काम यहाँ पे। एंड ओके, क्या साइड में लिखा हुआ, ओ ब्रो यहाँ देखो, अगर मेरे को यहाँ के लिए देखना है तो मैं यूं करके देख सकता हूँ, ऐसे आने की जरूरत नहीं है, यूं करके मैं देख सकता हूँ। ब्रो दिस इज परफेक्ट वहां पे, बल्कि मेरे को ना एक चेस्ट दिखे गाइस। बट आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग, यहाँ से आगे इस माइन को अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। वहां पर एक चेस्ट तो मेरे को बाय द वे दिखी गई थी, बट माइन पूरी की पूरी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओ तेरे की बेटे, मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ से अंदर बाद में जाऊंगा, पहले उस चेस्ट को खोल देते हैं एक बार, ठीक है ना। उस चेस्ट के अंदर आई थिंक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल सकता है मेरे को। कहा था वो, आई गेस यहाँ से आगे से राइट साइड के लिए था। हाँ यहाँ पर एक चेस्ट है, इसको खोलते हैं। आजा भाई, मैंने गलत कर दिया फिर से, कोई बात नहीं। ये लग गया शाबाश। और एक आखिरी वाला, शाबाश मेरे बेटे। ये क्या है, यू ग्रीन पेंट कैन बी एडेड टू योर ट्रेन, यूज इट इन योर ट्रेन टू कस्टमाइज इट कलर। भाई मेरे को यहाँ पे अपनी जान बचाने, और ये मेरे को बोल रहा है कि अपनी ट्रेन के कलर को कस्टमाइज करूं। हे भगवान, यही चीज रह गई थी यहाँ पे करने के लिए मेरे लिए कसम से। ये है भाई सही यहाँ पे, भाई साहब ऐसा लग रहा कोई मंदिर जैसा है, वो भी डरावना मंदिर। और ये क्या बनाया हुआ भाई इन लोगों ने, ये ना ड्राइंग कर रही है भाई इन लोगों ने यहाँ पे अजीब सी। आई डोंट नो मैन, कोई बंदा यहाँ पे सीटी बजा रहा है, यहाँ से आ गया है वो बंदा। गाइस मैं यहाँ पे ना भागने नहीं वाला हूँ। अरे भाई सीटी बजा रहा है एक बंदा यहाँ पे, नॉट इवन जोकिंग ब्रो। वेट, मेरे को यहाँ पे वो अंडा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Oh my God, इसने मुझे दो शॉट मार भी दिया ऑलरेडी। ओके मैं भाग रहा हूँ यहाँ से बाहर। ये बंदा आई गेस मेरे पीछे नहीं आ रहा होगा। मेरे पीछे भी जगह बंदा, चल 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 यहाँ से बाहर, चल भाई प्लीज 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 प्लीज, मरी मत मरी मत मरी मत। मैं ना कहीं गलत जगह पे आ गया हूँ कहीं पे, मैं पता नहीं कहाँ आ गया ऊपर के लिए। अच्छा बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से, अभी आएगा क्या मेरे पीछे? अरे मेरे पीछे अभी तक बंदा, रुक जा रुक जा, इधर आ तू, तेरे को बताता हूँ मैं अभी। मैं छलांगे मारा के जान उसके, क्योंकि आई डोंट वांट कि ये बंदा मेरे को यहाँ पे मारे तेरी पकाड़े। अब बोल हु इज द बॉस मेरे बेचे हैं, बोलना। अरे बोलना भाई, नीचे गिर के मर गया तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी। अब चलो यहाँ से अंदर। उसने मेरे को बोला था कि इस माइन के अंदर हम लोगों को अंडा मिलने वाला है, हमको अंडा तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। चल भाई मैं जो डरा हूं ना भी कसम से। और गाइस उसने मेरे को बोला था कि एक माइन के अंदर एक ही बंदा मिलने वाला है, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा कोई होगा। और ये पढ़ते जरा क्या ये। ओके यहाँ पर उस जो माइन का ओनर है उसके लिए लिखा हुआ है कि देयर इज समथिंग स्ट्रेंज हियर, वी डोंट नो व्हाट इट इज। अब वो जो स्ट्रेंज है, ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता नहीं, तो मुझे तो पता चल ही जाएगा ना भाई, क्योंकि मेरे को तो ये गेम कंप्लीट करनी है ना। तुम लोगों ने मेरे को फंसा दिया भाई, बिकॉज़ क्यों लग रहा है ब्रो, दिस गेम इज ऑसम टू बी ऑनेस्ट। ब्रो क्या है नीचे, एसिड है क्या? मैं नीचे गलती से गिर गया ना अगर, तो दिक्कत हो जाएगी, मेरा मिशन यहाँ पे का फेल ना हो जाए बस। और यहाँ पर कहीं पर वो बंदा था, प्लीज दूसरा बंदा ना हो बस उसका, यहाँ पर था वो बंदा। हाँ यहाँ पर था। और देखो भाई यहाँ सोता है, इस बगल में इस बदसूरत के एक मेटल स्क्रैप पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी में रहते हैं। अंडा मिल गया मेरे को ब्रो, अंडा मिल गया मेरे को, इसकी प्रोटेक्शन कर रहा था तो ये बंदा। अच्छा मेरे बेटी, चलो ये तो बेस्ट ही हो गया, मेटल स्क्रैप्स वगैरह उठाने वाला हूँ मैं थोड़े बहुत। एंड तुमने मुझे एक बात बताओ, इतने ठंड में रह रहे हो यार, मतलब थोड़ी टेंशन हो रही है भाई मेरे को इन लोगों की, इतनी ठंड में रह रहे, कोई रजाई ना बिस्तर कुछ नहीं है भाई इन लोगों के पास। खैर छोड़ो, इन लोगों ने मेरे को मारने की कोशिश करी, और मैं इन लोगों को यहाँ पे लाइक इनके बारे में मैं बुरा महसूस करके क्या जताना चाहता हूँ, इतना अच्छा मैं हूँ नहीं होगा इस। और ना भाई यहाँ से हम लोगों को कहीं से बाहर जाना था, हाँ यहाँ से रास्ता बाहर जाने का पड़ेगा, यहाँ से लेफ्ट साइड के लिए भी एक रास्ता था, मैं देखना चाहूंगा वहाँ पे ये वाला। अच्छा यहाँ तो हम लोग पहुंच गए थे इससे पहले, ये पूरा का पूरा एक ही है गोल घुमा के। और यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ था कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है
जहाँ पे कुछ तो अजीब है, स्ट्रेंज है, एंड आई गेस वो ये हो सकता है। ये लोग इन लोगों ने यहाँ पर बंद किया हुआ माइन का ये वाला हिस्सा। यहाँ से आगे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है। ओके आई थिंक सो गाइस कि हम लोगों को कभी आगे चल के वापस यहाँ पे आना पड़ सकता है, बट अभी ना मैं सिर्फ एक ही काम करने वाला है, वो है यहाँ से बाहर भागना। फिलहाल को मेरे को कोई शौक नहीं यहाँ पे रहने का। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, मिशन कंप्लीट हो चुका है हमारा ये वाला। आई एम सो हैप्पी बॉयज एंड गर्ल्स, नॉट इवन जोकिंग ब्रो। एंड वो बदसूरत को मैंने कहाँ पे हिला था, गायब हो गया मेरे बेटा, यहाँ पर था देखो, गायब हो गया भाई, मर जा ऐसी की तैसी तेरी। और अपनी पूरी की पूरी ट्रेन को गाइस मैंने हरा कलर भी कर दिया है, लेट्स गो। थोड़ा वो थॉमस वाली ट्रेन लग रही, थॉमस एंड फ्रेंड्स वाली, क्यूट लग रही है ट्रेन अब गाइस। ओह ये भी यहाँ पे ग्रीन कलर का हो चुका है हमारा, बेस्ट हो गया भाई ये तो। तो और गाइस तो इस वीडियो में मैं इतना रखने वाला, ये गेम अनएक्सपेक्टेडली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑसम थी। एंड आई नो तुम लोग यहाँ पे मेरे उन टैडीज वगैरह को मिस कर रहे होंगे, है ना, तुम लोग ऑलरेडी पता है मेरे सिस्टर ने उनको यहाँ पर गायब कर दिया किसी एक व्लॉग के लिए, एंड नाउ आई हैव टू फाइंड देम, जो कि तुम लोग को उसी के व्लॉग में पता चलने वाला है। तो मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, किसी एक जमाने पे यहाँ पे मेरे टैडीज वगैरह बैठा करते थे, काफी अच्छा लगता रहा। क्या छोड़ो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना तुम लोग को गेम कैसी लगी है, और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी धांसू और छोटे मेरे से। बाय बाय।